हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानी कश्यप। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। और अगर आप मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं, मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग लव। सो आज के वीडियो में मैं आपको मीरा बेले का शीट मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। ये वाला मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ, सो दैट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। हाउ टू यूज शीट मास्क, में इसमें आपको ये भी बताने वाली हूँ इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मीरा बेले का शीट मास्क जो कि है लेमन लाइम का। इसमें बहुत सारे अलग अलग शीट मास्क होते हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया, क्यूकम्बर हो गया, पपाया हो गया, बेरीज हो गया, हर्ब्स हो गया, तो इसमें इस तरीके के शीट मास्क आते हैं। मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, वो भी 99 रुपीज का, बट ये आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होगा। जैसे कि इसमें मैंने इसमें बहुत सारे ऑफर्स देखे हैं, लाइक 3 से 4 अलग अलग शीट मास्क मिल जाते हैं जो कि होता है लाइक 200 रुपीज में। तो आपको पर शीट मास्क 50 रुपीज का भी पड़ता है, ट्रस्ट मी, तो आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। बट ये जो मैंने परचेज किया है ये है 99 रुपीज का, लोकल जो कॉस्मेटिक शॉप होती है वहां से मैंने ये परचेज किया था। सो हाँ, तो ये है मीरा बेले कॉस्मेटिक कोरिया, मेड इन कोरिया से है। लेमन लाइम फेयरनेस फेशियल मास्क है ये, No.1K मास्क लिखा है यहाँ पे, ठीक है, No.1K मास्क है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, डिलीवर रिच न्यूट्रिएंट टू द स्किन एंड प्रोवाइड इंटेंस मॉइस्चर एंड फेयरनेस। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग वर्क करेगा आपकी स्किन के लिए। एक हाइड्रेट पहुंचाता है बेसिकली शीट मास्क आपके फेस पे, एंड ब्राइटन बनाता है, शाइनी बनाता है। ओके सो ये सुटेबल फॉर बोथ वुमेन एंड मेन, दोनों के लिए अवेलेबल है, फीमेल एंड मेल के लिए कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 25 ml एंड स्पेशली डिजाइन फ्रॉम इंडियन स्किन एंड फेयरनेस, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ पीछे की साइड आपको ये 4 स्टेप दिख जाते हैं। ओके नाउ उसके अंदर बहुत सारे इंग्रीडियंट मिलाए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा। बेसिकली आप समझ रहे होंगे लेमन लाइम मतलब लेमन से रिलेटेड है, और जो कि आपकी स्किन के लिए अमेजिंग वर्क करता है। इसमें डायरेक्शंस दे रखी हैं कि आपको क्या क्या करना है। 10 टू 20 मिनट्स के लिए आपको इसको फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं हम वैसे यूज करेंगे। नाउ आपको इसको कहाँ पे रखना है, स्टॉप यूजिंग इन केस ऑफ एनी स्किन एब्नॉर्मलिटीज फाउंड आफ्टर यूज। अगर आपको यूज करने के बाद कुछ फेस पे दिखता है, कुछ परेशानी होती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप इसको यूज मत कीजिएगा। नाउ अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। आपको सनलाइट जो डायरेक्ट वहां पे ऐसी जगह पे नहीं रखना है, आपको किसी कूल प्लेस पे जैसे फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हो, या फिर आप किसी को ड्राई प्लेस पे रख सकते हो। मैंने इसको नॉर्मल रखा था क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो मैंने इसको नॉर्मली अच्छी जगह पे प्लेस कर दिया था। बेस्ट बिफोर यूज 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 3 साल आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ये एक टाइम ही यूज होता है। हाँ, आप इसको रख सकते हैं परचेज करके, कभी भी आपका मन करे, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ स्किन पे अप्लाई करना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप इसको परचेज करके रख सकते हैं। इसका जो MRP है दैट इज 99 रुपीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको इसको अच्छे अमाउंट में परचेज करना है, लाइक आपको ऑनलाइन बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अमेजन पे मैंने इसके देखे थे, नायका पे भी अवेलेबल है, अमेजन पे ये 6 शीट मास्क मिल रहे हैं, और भी ज्यादा मिल सकते हैं, बट ये उसमें बहुत अच्छे प्राइस में था, ट्रस्ट में 50 रुपीज का ये ईच पड़ रहा था। तो मैं आपको पहली चीज बता देती हूँ, इस पे मेंशन है कि आपको फर्स्ट स्टेप में आपको फेस को नॉर्मल पानी से धो लेना है, यानी फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, जो कि मैं करके आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे शीट मास्क अप्लाई करना था, इसका मैं रिव्यू करने वाली थी, तो मैंने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, नथिंग क्रीम, कोई क्रीम भी नहीं है, जस्ट मैंने बिंदी अप्लाई करी हुई है एंड मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो चलिए अब हम इसको करेंगे सबसे पहले कट, इधर से दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ कट। ओ माय गॉड, इस तरीके के बबल्स दिख रहे हैं, इसमें लिक्विड दिख रहा है, इतना अच्छे से सीरम है इसके अंदर, पता चल रहा है, देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से लिक्विड, वाह, लेमन की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो चलो, बहुत ही आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, मुझे शीट मास्क लगाना बहुत अच्छा लगता है, बट ये एक ही टाइम यूज़ हो सकते हैं, दोबारा इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं
ऐसे करने वाली हूँ। तो चलिए नाउ, ओ माय गॉड, बहुत सारा ऑयली, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसके अंदर बहुत तरीके से अंदर सीरम मतलब लाइक लिक्विड है इसके अंदर। तो अभी हम निकालने वाले हैं शीट मास्क, और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, ट्रस्ट मी। तो इसको निकालते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारा लिक्विड है गाइस, बहुत सारा लिक्विड है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने निकाला, और मैं इसको थोड़ा सा वेस्ट नहीं होना चाहिए ये लिक्विड, जो कि आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन पहुंचाता है। ओके नाउ ये इसके अंदर अभी भी लिक्विड है, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। नाउ इसको हम खोलेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है। आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए हाँ इसको यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया फेस, आपका फेस भी वॉश होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आराम से आपको खोलना है, ये देखो। ये रहा शीट मास्क, अभी मेरे बाल थोड़े पीछे मैं कर लेती हूँ, एंड देन मैं उसको अप्लाई करूँगी। बहुत ही आराम से रखना है आपको। मेरे बाल ना, मेरा फोरहेड जो है वो छोटा है, तो मैं इसको फोल्ड करके ऐसे लगा लेती हूँ। अभी करेक्ट है, ऐसे हाथ से आप उसे थोड़ा सेट कर लें। तो ये मेरा शीट मास्क लग गया है, अब मैं आपको मिलूंगी 20 मिनट्स बाद। इसको 10-20 मिनट्स के लिए लगा सकते हैं, बट मुझे 20 मिनट्स चाहिए पूरा का पूरा। तो मैं आपको 20 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। नाउ 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको हटाती हूँ। बट ये आपको अप्लाई करने के बीच में ज्यादा बोलना नहीं है, मुझे वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो चलिए, ओ माय गॉड, आप मेरे फेस पे पहले तो शाइनिंग देख रहे होंगे, है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली इसमें इतना ज्यादा सीरम है ना, अभी भी ये बिल्कुल डीप है, अच्छे से इसके अंदर लिक्विड है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में देखो गीला गीला हो रहा है, तो बहुत सारा सीरम है अभी। बट इसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 20 मिनट्स हो चुके हैं। और आप फेस पे, आपको इसको कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे छोड़ दो। अगर आपको ऐसे करना है रब, आप कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना है, ये ऐसे ही ड्राई हो जाएगा। इसको अपनी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होने देते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब होने देते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करते हैं, शीट मास्क बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। बट आप इसको शीट मास्क को एक ही बार यूज कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो इसके अंदर लिक्विड है ना, जो बच गया है इसके अंदर, थोड़ा सा लिक्विड है, बल्कि अच्छी क्वांटिटी में ही होगा, अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो निकल जाएगा। बट आप इसको अच्छे, जब भी आपको लगे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, आप इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। हाथ से अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैं कर सकती हूँ। तो ये मैंने आपको भी शेयर किया है, अगर आपको मन करता है ऐसे कभी ड्राई फील होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ मैं अभी आपको बताती हूँ शीट मास्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके तीन अमेजिंग बेनिफिट हैं। पहली चीज़ तो यही है कि ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन पहुँचाता है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके स्किन को डिटॉक्स करता है। थर्ड चीज़, ये आपके स्किन को ब्राइटन बनाता है, ठीक है। तीन अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको सम टाइम ऐसे यूज़ कर सकते हो। और ये आपको, जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन बहुत ही अच्छे चीप प्राइस में मिल जाएगा। सो या गाइस, दिस इज माय मिराबेले लेमन लाइम का शीट मास्क रिव्यू। आई होप आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा है। और अगर आप ऐसे रिव्यूज और देखना चाहते हैं, और किस किस प्रोडक्ट के मुझे रिव्यू करने चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इजीली से बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी रिलेटेड, गर्ल से रिलेटेड, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाए ना, हेल्पफुल लग जाए, और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस के नए नए टॉपिक्स देखना, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। देखते रहिए, आपकी अपनी शिवानी कश्यप। टेक केयर, ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंड कोविड से बचे रहिए, मास्क लगाते रहिए। बाय।